तीनों हजार आइए हम इसके कि इस नशिस्त के काम का ऐलान किया जाए। हम अपने मेहमान खसूसी श्री हैदर आजम साहब को कलाम दे रहा हूँ कि आप आए और अपने इसलिए स्टेज से कुछ नशिस्त और ख्याल का इजहार करें। सदर जलसा साहब अली साहब, प्रोफेसर साहब अली साहब और यहाँ पर आए हुए तमाम शोरा हज़रात, कई सारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपने जो यहाँ से मुंबई की इस यूनिवर्सिटी से नई शुरुआत की है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अगला जो भी प्रोग्राम होगा उसमें हम सब मिलजुल करके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे आपकी सदारत में। और जो 25 जनवरी का आपने तय किया है, इंशाल्लाह उसमें हम यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, उनको यहाँ लाने का पूरा कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करेंगे। मैं बहुत देर से, हालांकि मैं आधे घंटे के लिए आया था, मीरा रोड में इलेक्शन चल रहा है, लेकिन आप लोगों के शेर ने मुझे यहाँ बांध करके रख दिया और मैं यहाँ से हिल नहीं पाया। एक चीज़ मैं सिर्फ दो बात करके अपनी बात को खत्म करूँगा, बहुत देर से आप सब बैठे हुए हैं, कि हमारे जो शायर हजरात हैं ये पास्ट और प्रेजेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आने वाली चीज़ के ऊपर, फ्यूचर के बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूंगा कि मैं जब फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था, उस वक्त हमारे यहाँ एक एग्जीबिशन स्कूल की तरफ से लगा हुआ था और लगभग पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है उस स्कूल के स्टूडेंट्स ने उस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया था। हमने जो मुंबई, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स थे मेरे साथ में पढ़ने वाले बच्चे, तो हमने मुंबई एयरपोर्ट का एक ये बनाया था, मॉडल बनाया था। मेरे बाजू में दूसरे स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने उस वक्त, यानी मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ आज से 30 साल पहले की, उन्होंने प्रोजेक्शन किया था कि फ्लाई ओवर अगर मुंबई में बनेगा इस तरीके का तो उससे रोड और ट्रैफिक की समस्या हल हो सकती है, यानी आज से 30 साल पहले। मैं शायर हजरात से कहूँगा कि हमारे समाज में आज जिस तरीके से हम पीछे चले जा रहे हैं और उर्दू जो ख़त्म होते जा रही है, अगर हम प्रिडिक्शन और इसको कैसे आगे बढ़ाएं इसके ऊपर थोड़ा आप लोग और गौर फिक्र करेंगे तो जो उर्दू ख़त्म होने का कगार पर है वो और अच्छे ढंग से हम उसको फैला सकेंगे पूरे देश में। उर्दू के बारे में आपको बताता हूँ कि स्मृति ईरानी जब कोई टीवी डिबेट में जाती हैं तो उनका फ़ोन मुझे आता है कि कोई अच्छा सा शेयर जल्दी से मैसेज करो, मुझे वहाँ बात करना है। पार्लियामेंट में जब उनको कोई उनका ये करना होता है, बहस करना होता है या उनकी बात रखनी होती है, तब उनका मैसेज आता है कि भाई आज मुझे बात करनी है। कि जानकारी के लिए बताता हूँ कि अभी मोदी जी ने एक साल पहले पार्लियामेंट में जो निदा फाजली साहब का जो शेर पढ़ा था, मैंने ही उनको वो मेल करके भेजा था, क्योंकि उनके वहाँ से ऑफिस से फ़ोन आया था कि मुझे कांग्रेस के लोगों को मुँह तोड़ जवाब देना है तो क्या बात किया जाए। तो मैंने कहा था कि भाई ठीक है, मैं शायद नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे महफिलों में जा जा करके जो भी है और आप जैसे जो दोस्त लोग बढ़ते गए तो उनसे मैं तुरंत मंगवा करके भेज देता हूँ। शेर और शायरी का और उर्दू जबान का शौक हमारे हम वतनों में बहुत ज़्यादा है, बल्कि हमारे बच्चों से ज़्यादा हमारे हम वतनों के बच्चों में है। मेरे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार, उनकी गाड़ी में, उनकी ऑफिस में, उनके घर में तो मोहम्मद रफ़ी साहब का ही गाना वो सुनते हैं। तो क्योंकि उर्दू जबान में जो मिठास है तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, हम सबको मिलकर के उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम इस देश के हर लोगों के पास अपनी जबान को पहुँचा सके। उसके लिए जो भी हम, आपको लगता है कि हमारी जहाँ की कोई ज़रूरत हो, आप आधी रात को हमको आवाज़ दीजिए, हम सब मिलजुल करके इस उर्दू जबान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मुझे एक दो चीज़ और सुनना था कि भाई आज था एक शाम आज़ादी हिंद के नाम, लेकिन सब ने अपनी अपनी खैर शेर व शायरी की। एक साहब ने शायद उबैद आज़म आज़म, तो मेरे नाम के नाम से मिलते हैं,
तो उन्होंने अच्छे दो चार शेर पढ़े जो देश की आज़ादी में था। मेरा बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मुलाकात करके। आगे आने वाले दिनों में फिर मिलते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जय श्री कृष्ण।